हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेरी वार्म वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल पायोगिक। तो आज का वीडियो हम लेके आए हैं पीवाईबीएससी केमिस्ट्री के पीवाईक्यूज। तो अभी आपको सामने दिख रहा है वीडियो, वो है अप्रैल 2024 का। सो पहला पेपर जो है वो है 501 फिजिकल केमिस्ट्री। सो टीवाईबीएससी का फिफ्थ सेमेस्टर का पहला पेपर जो है वो फिजिकल केमिस्ट्री का है, और जो कि हमें पता है 25 तारीख से है, टाइम टेबल आपका आ चुका है। तो किस तरीके के क्वेश्चन आते हैं इस वीडियो में, हमने 4 से 5 क्वेश्चन पेपर हर एक पेपर के दिए हुए हैं। ओके, टोटल 10 पेपर है। देखिए, इलेक्टिव छोड़ के, मतलब जो स्किल एनहांसमेंट के है वो पकड़ के सारे कितने पेपर से 10 सब्जेक्ट है। तो उसमें से कोई 8 सब्जेक्ट जो है वो किसी कॉलेज में पढ़ाए जाएंगे। तो पहला क्वेश्चन हमें पता है कि क्वेश्चन नंबर 1 जो होता है कंपलसरी होता है, और क्वेश्चन नंबर 2 to 5 से लेके आपको कोई भी 3 सॉल्व करने हैं। तो इसमें क्या है, देखिए, व्हाट इज द कंडीशन ऑब्टेंड बाय माइक्रोवेव स्पेक्ट्रा, डिफाइन द टर्म रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, स्टेट ग्रोथर्स ड्रेपर लॉ, व्हाट इज मीन बाय द वेव ऑफ पार्टिकल ड्यूअलिटी, गिव द सिलेक्शन रूल फॉर द इंफ्रारेड स्पेक्ट्रोस्कोपी एंड डिफाइन डाइपोल मोमेंट। ओके, सो किस तरीके से क्वेश्चन हो सकते हैं या क्या हो सकता है वो मैं आपको बता रहा हूँ। थोड़ा सा दिख नहीं रहा होगा, इसके लिए मैं पढ़ रहा हूँ क्वेश्चंस आपके लिए। क्वेश्चन नंबर 2 जो है, देखिए, ए में एनी 2 सॉल्व करने हैं आपको। स्टेट द कंडीशंस फॉर वेल बिहेव्ड फंक्शन, फिर है डिस्कस द रीजंस फॉर हाई एंड लो क्वांटम यील्ड, एंड व्हाट इज द रमन इफेक्ट, एंड व्हाट आर द स्टोक्स एंड एंटी स्टोक्स लाइंस। ओके, सो इनमें से कोई 2 सॉल्व करने हैं, 3 मार्क के लिए एक होगा, और बी में के दोनों सॉल्व करने हैं आपको, 2-2 मार्क के लिए होंगे वो। प्योर वाइब्रेशनल स्पेक्ट्रम इज नॉट पॉसिबल, एक्सप्लेन एंड कैलकुलेट द रिड्यूस्ड मास ऑफ HBr, H1 है और बेरियम Br का जो है वो 80 है, ब्रोमाइड सॉरी। देन क्वेश्चन नंबर 3 में भी फिर 2 सॉल्व करने हैं आपको। डिस्कस ब्रीफली रोटेशनल स्पेक्ट्रा ऑफ सिंपल डायटोमिक मॉलिक्यूल्स, देन एक्सप्लेन द स्ट्रेचिंग एंड बेंडिंग वेरिएशंस विद द हेल्प ऑफ स्कीमेटिक डायग्राम, स्टेट द एक्सप्लेनेशन ऑफ द हेजेनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल विद सुटेबल एग्जांपल। देन यहाँ पे कैलकुलेट करना है, कैलकुलेट द ब्रॉलिंग वेवलेंथ ऑफ द क्रिकेट बॉल। ओके, फिर क्वेश्चन नंबर 4, उसमें से 1 में यहाँ पे देखिए, डिफाइन द टर्म्स फोटोकेमिकल रिएक्शन क्या है, फोटोसिंथेसिस क्या होता है, फोटोलाइसिस क्या होता है, then distinguishing between the rough spectra and infrared spectra, then define the term degeneracy, determine the degeneracy of the energy, then energy state for which the total energy is to the hawaii, the total constant for bond c o molecule, okay, is 1 point, so ye bhi calculate karna hai, vibrational absorption, aur 5 mark ke liye jo hai wo to aapko 4 solve karne hai, 2.5 mark ke liye फ्लोरोसेंस, केमिल्यूमिनेसेंस, टाइम इंडिपेंडेंट स्क्रोलो प्रो, ये क्या है, देखिए, स्क्रोडिंगर्स इक्वेशंस। ओके, स्क्रोडिंगर्स इक्वेशंस, डॉट्स आई फाई, ओके, फॉर पार्टिकल्स इन वन डायरेक्शन डायमेंशनल बॉक्स, एप्लीकेशन ऑफ रमन स्पेक्ट्रम, क्लासिफिकेशन ऑफ मॉलिक्यूल्स ऑन द बेसिस ऑफ मोमेंट। फिर बाद में ये आपको दिख रहे होंगे, सिंपल से है, देखिए, बहुत बार जो है वो क्वेश्चन रिपीट हुआ है, डीजेनरेसी। ओके, फिर ये क्वेश्चन सिंपल सा रिपीट हुआ है, देखो, आइडेंटिफाई द माइक्रोवेव एक्टिव इनएक्टिव मॉलिक्यूल्स, एक्टिव एंड इनएक्टिव मॉलिक्यूल्स, स्टेट द ग्रोथर्स ड्रॉपर लॉ। ओके, सो ये 1 लाइन के लिए था, अब यहाँ पे स्टेट के लिए आया था, 3 मार्क के लिए, ठीक है। देन कैलकुलेट द कैलकुलेट फ्रिक्वेंसी ऑफ यूवी रेडिएशन ऑफ वेवलेंथ 3000 एंगस्ट्रॉम, राइट द इक्वेशन फॉर चेंज ऑफ रोटेशनल एनर्जी लेवल J2 J+1, ट्रांजिशन एंड एक्सप्लेन द टर्म इन बॉडीड। फिर बाद में क्वेश्चन 3 में वाइब्रेशनल रोटेशनल रिपीट क्वेश्चन है, देखिए, स्टेट द कंडीशन ऑफ वेल बिहेव्ड वेव फंक्शंस, रिपीट क्वेश्चन है, राइट द सिलेक्शन रूल फॉर रोटेशनल स्पेक्ट्रम, रोटेशनल रमन स्पेक्ट्रम एंड वाइब्रेशनल, कैलकुलेट द वेव नंबर फर्स्ट लाइन विद द बैलेंस सीरीज, देन ट्रांसमिटेंस, ऑप्टिकल डेंसिटी, रेडिएंट पावर, देन डाइपोल मोमेंट, एंड हाउ इट इज यूजफुल इन द आइडेंटिफिकेशन ऑफ द लीनियर ज्योमेट्री ऑफ सीवोटो मॉलिक्यूल, दैट पोलर वगैरह, ये देखिए, फिर कैलकुलेट द रिड्यूस मास, देन केमिल्यूमिनेसेंस रिपीट आ गया, केमिकल एक्शन ऑफ डी ब्रोगलर वेवलेंथ रिपीट है, मेरिट डिमेरिट ऑफ माइक्रोवेव रोटेशनल पोलराइज
polarizability of molecule and significance of ये साई एंड साई स्क्वायर या फाई फाई स्क्वायर बोल सकते हैं आप। ठीक है, फिर देखिए बहुत सिंपल से फिर से क्वेश्चन जो है वो बहुत बार रिपीट आ चुके हैं। देखिए ये वाला भी क्वेश्चन रिपीट आ चुका है, डीजेनरेसी वाला क्वेश्चन हर बार आया हुआ है। देखिए सेम क्वेश्चन रिपीट हो रहा है, डाइपोल मोमेंट परसेंट आयोनिक कैरेक्टर्स। चलो एक्सप्लेन द टर्म फोटोसिंथेसिस विद सुटेबल एग्जाम्पल। चलो फिर ये कैलकुलेशन वाला क्वेश्चन आ गया आपका, एक्सप्लेन द प्योर रोटेशनल स्पेक्ट्रम ऑफ लीनियर डायटोमिक मॉलिक्यूल, फिर से रिपीट क्वेश्चन आ गया। स्टेट एक्सप्लेन द हेजरबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल, क्वेश्चन रिपीट है। तो अब यहाँ पे देखिए, तो मैं आगे आगे चलता हूँ, देखिए ये रिपीट रिपीट है, सारी चीजें जो है वो सारी रिपीट है। सो इतना आप करके जाइए, ये देखिए बहुत सारे, देखिए फिर से क्वेश्चन रिपीट आ गया। कुछ चेंज है क्या इस क्वेश्चन में? हर एक क्वेश्चन पेपर में ये पेपर क्वेश्चन जो है वो चेंज आ ही रहा है, रिपीट आ ही रहा है। तो आप जो है वो इतने ही क्वेश्चन पेपर करके जाइए, आपको बहुत अच्छे मार्क्स मिलेंगे। देखिए क्या है, सेम है, यही थे एक पेपर में दो, ये सिर्फ बदल के आ गया, चेंज हो गया। चलो ये दूसरा पेपर जो है वो एनालिटिकल केमिस्ट्री, ये भी 2024 का आया था अप्रैल, अब भी जो एग्जाम हुए है उसका। देखिए व्हाट इज द ग्रेविमेट्रिक एनालिसिस, कैलकुलेट द ट्रांसमिटेंस ऑफ अ सॉल्यूशन हैविंग द अब्सॉर्बर 0.8, नेम द बेसिक रेडिकल्स प्रेजेंट इन द ग्रुप 4, व्हाट डू यू मीन बाय द क्वालिटेटिव एनालिसिस, डिफाइन थर्मो ग्रेविमेट्री एंड सॉल्यूशन ऑफ कलर्ड सॉल्ट सब्सटेंस, ऑब्जर्व 80% ऑफ इंसिडेंट रेडिएशन, कैलकुलेट इट्स एब्जॉर्बेंस, देन डिस्क्राइब द एपरेटस फॉर डीटीए विद नीट लेवल डायग्राम, एक्सप्लेन द रोल ऑफ digestion in the purification of precipitate, give its advantages, give its in what are the interfering anions and why they are removed from the solution. B, char mark ke liye ek hi hai, what is the difference between accuracy and precision and explain with suitable example. Char mark ke liye difference likh do, okay, char char paanch paanch points likh do. Phir discuss the factors which may affect the result of TG, compare the post precipitation with co precipitation and what is the कॉमन आयन इफेक्ट। सो ये वाला क्या है, कॉमन आयन इफेक्ट एंड हाउ इट इज यूज टू क्वालिटेटिव एनालिसिस। फिर ये कैलकुलेट वाला है, कैलकुलेट द कॉन्सेंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन। क्वेश्चन नंबर 4, एक्सप्लेन इन ब्रीफ द प्रेसिपिटेशन ऑफ होमोजेनियस सॉल्यूशन, डिस्क्राइब द स्पेक्ट्रोफोटोमेट्रिक डिटरमिनेशन ऑफ कॉपर विद EDTA, डिस्कस द मोल रेशियो मेथड फॉर डिटरमिनेशन ऑफ मॉलिकुलर कॉम्पोजिशन। देन यहाँ पे फिर से आ गया आपका एक प्रॉब्लम, what is the minimum concentration of iodide ions that must be added to the solution containing 1 into 10⁻³ moles per liter. Then question number 5, write a note on use of furfuron in gravimetric analysis, then percent of calcium. So yahan pe calculate karna hai aapko standard deviation, explain the term drying and ignition, write a note on use of yellow ammonium sulfide, draw a block diagram of colorimeter. Okay, तो कितना इजी वाला क्वेश्चन आ गया। देखो कैलकुलेट द परसेंट लॉस ऑफ फॉलोइंग रिएक्शन। तो ऐसे ही इसके भी बहुत सारे क्वेश्चन है, बहुत सारे क्वेश्चन जो होते हैं वो रिपीट होते हैं। चलिए ये देखिए, अब यहाँ पे आपको क्या याद रखना है बच्चों, कि ये सारे पेपर जो है वो हमने दिए हुए हैं। अब ये पेपर आपको मिलेंगे कहाँ, ये पेपर आपको मिलेंगे कहाँ? तो हमारा ऐप आप डाउनलोड करके लीजिए, बायोगिक आकाश बगाड़े, ओके। या तो उसकी लिंक जो है वो आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी, और वहां पे अगर आप TYBSC केमिस्ट्री का आपको कोर्स मिल जाएगा स्टोर में, ओके। ऐप में जाइए, ऐप में स्टोर करके ऑप्शन होगा, तो स्टोर में आपको TYBSC केमिस्ट्री, और वहां से जो है वो आप ये ले सकते हो। तो थोड़ी सी मिनिमल अमाउंट है, ओके, अप्रोक्सीमेटली 49 रुपीज, ओके। उसमें से आपको जो है वो सारे के सारे क्वेश्चन पेपर जो है वो यहाँ पे मिल जाएंगे। हर एक पेपर के 5 to 6 क्वेश्चन पेपर से, यानी कि टोटल हमने 10 इसके बनाए हुए हैं, तो आपको पूरे के पूरे क्वेश्चन जो मिल जाएंगे, एक ही PDF मिल जाएगी, सारे क्वेश्चन आपको उसमें मिल जाएंगे। सो यही होगा, ये सारे के सारे क्वेश्चन जो है वो सेम आपको वहाँ पे मिल जाएंगे। अगर आप चैनल के ऊपर नए हैं तो चैनल को
लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना मत भूलिए, ऐसे ही आपको वीडियो जो है वो देते रहेंगे। सो ये पहले दो पेपर हमने थोड़े से डिस्कस यहाँ पे किए हैं, अब हम डिस्कस करेंगे नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट पेपर। ओके, सो आपके नेक्स्ट पेपर जो है वो शायद आपका ऑर्गेनिक केमिस्ट्री होगा, तो वो हम देखेंगे। चलिए, थैंक यू वेरी मच।